जो 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने से संबंधित है, मैं वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे, जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 139A है, को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त एसटीएफ के 2 कर्मी घायल हैं। उक्त अभियोग में कुल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60-70 अन्य अभियुक्त थे। उनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं तथा 120B के अंतर्गत 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी इस केस में जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी संख्या 12 है, जिन पे विभिन्न स्तर का इनाम घोषित है। Good. Hold on.